हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द एविएशन कैरियर माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्पाइसजेट एयरलाइंस की जॉब वैकेंसीज के बारे में। यहां पे स्पाइसजेट एयरलाइंस तरफ से ग्राउंड स्टाफ में एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजिशन के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। इससे पहले हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, सर स्पाइसजेट में कोई वैकेंसी जाए तो उसके बारे में बताएं प्लीज़। सो अगेन, मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस की वैकेंसीज को लेकर के प्रेजेंट हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, स्पाइसजेट एयरलाइंस यहाँ पे दो एयरपोर्ट्स के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया है, गुजरात में कंडला एयरपोर्ट एंड भावनगर एयरपोर्ट्स के लिए, जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से स्पाइसजेट की जो ऑफिशियल इंटरफेस है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। स्पाइसजेट ने डायरेक्टली naukri.com पे वैकेंसीज को रिलीज किया है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। सो इस वीडियो में इस अपडेट के रिगार्डिंग मैं एवरीथिंग डिटेल में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। एंड इस अपडेट के रिगार्डिंग कुछ सरप्राइज न्यूज़ ये भी है कि अदर कोई ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी जाता है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट रिक्वायर्ड किया जाता है। बस यहाँ पे इस अपडेट को अप्लाई करने के लिए, अगर ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट ईयर भी क्लियर है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस अपडेट के रिगार्डिंग एवरीथिंग ब्रीफ में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए आप टिल इन तक देखें। एंड फ्रेंड्स, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू व्यूअर हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कैरियर गाइडेंस एंड जॉब डेस्क लेटेस्ट वीडियो चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे। इस चैनल पे आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री, डिफेंस सर्विसेज एंड गवर्नमेंट के जितने भी अपडेट्स आते हैं उसके बारे में वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगा डेली बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग मूव करते हैं आज के अपडेट्स की ओर एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है उसके बारे में समझते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग इस अपडेट के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड इसको कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये स्पाइसजेट एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसका ऑफिशियल करियर साइट है। यहाँ पे इस अपडेट्स के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया है। इस दोनों अपडेट्स के बारे में डायरेक्टली naukri.com पे रिलीज किया गया है इसको। ठीक है, यहाँ पे भावनगर हो या फिर कंडला हो, दोनों एयरपोर्ट्स के लिए, दोनों गुजरात के लिए है। यहाँ पे दोनों वैकेंसीज के लिए जो टर्म एंड कंडीशंस रखा गया है सेम ही रखा गया है, चाहे भावनगर के लिए हो या फिर कंडला के लिए हो। सो मैं एक अपडेट्स के बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू फॉर कंडला एंड यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू फॉर भावनगर। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में डियर ऑल, वी आर लुकिंग फॉर ए पैशनेट एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स फॉर द पोजिशन ऑफ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एजेंट फॉर कंडला एयरपोर्ट इन ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट। यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है भावनगर के लिए। दोनों टर्म एंड कंडीशन सेम ही रखा गया है, एवरी थिंग यहाँ पे सेम है दोनों एयरपोर्ट्स के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में शेयर देयर रिक्वायर्ड रेज्यूमे एट इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। ईमेल आईडी है rec.gsd@spicejet.com एंड इसको आपको 18 अगस्त तक लास्ट मेल करना है। आपका रेज्यूमे 18 अगस्त तक स्पाइसजेट की जो टीम है वहाँ तक आपका रीच होना चाहिए, मीन्स आपको मेल कर देना है। 18 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है मेल करने के लिए। आपके पास आज इंक्लूड करके 3 डेज बचा हुआ है। इस वैकेंसीज को 15 अगस्त को ही रिलीज किया गया है। यहाँ पे डेजिग्नेशन में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए रिलीज किया गया है ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट में। लोकेशन आपका कंडला रहेगा एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे एक सरप्राइज करने वाली ये बात ये है कि यहाँ पे अगर दूसरी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ पोजीशंस के लिए ग्रेजुएशन पास आउट रिक्वायर्ड किया जाता है, बट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम फर्स्ट ईयर क्लियर ग्रेजुएट्स, मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप इसको अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। नाउ बात करते हैं स्किल सेट्स के बारे में। यहाँ पे स्किल सेट्स में गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर ग्राउंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड बी एबल टू इंटरेक्ट विथ वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एजेंसीज एंड हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी विथ गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड एक्सेस प्रिफर्ड।
एंड बेल डेवलप रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड एबिलिटी टू डील्स विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टैक्ट एंड डिप्लोमेटिकली एंड यहाँ पे मस्ट बी ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। सो ये सारे क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम 18 टू 27 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स हाइट की बात करें तो मेल के लिए 5.6 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5.3 रिक्वायर्ड किया जा रहा है। एंड नो विजिबल टैटू एंड स्कार्स एंड वेल ग्रूम्ड। ओके फ्रेंड्स सेम टर्म एंड कंडीशंस भावनगर एयरपोर्ट्स के लिए जो वैकेंसी जाए उसके लिए ही है। सेम यहाँ पे स्किल सेट, सेम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एवरीथिंग यहाँ पे सेम दिया गया है। आपको इसमें भी वही सेम ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। लास्ट डेट यहाँ पे 18 अगस्त दिया गया है। आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम मेल करना है 18 अगस्त तक। आपका रिज्यूम आप मेल करोगे उसके बाद जो स्पाइसजेट एयरलाइंस है उसकी एचआर टीम आपकी रिज्यूम को रिव्यू करेगी। अगर आप फिट बैठ रहे हो, सुटेबल बैठ रहे हो तो आपको विद इन 15 डेज के अंदर इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड कॉल करने के बाद आपको डेट टाइम प्लेस वेन्यू डिसाइड करके बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इस अपडेट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है। सो आई होप सो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप स्पाइसजेट एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैंने इंटरव्यू पर्पस से स्पाइसजेट एयरलाइंस के बारे में एक वीडियो बनाकर पहले से रखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली मेरा जो ऑफिशियल इंटरफेस है जो यूट्यूब का वहाँ विजिट करना है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इस मेरा ऑफिशियल इंटरफेस पे आना है। इस पर क्या करना है, वीडियो में क्लिक करना है, वीडियो में नहीं सॉरी प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ दिख जाएगा, एयरलाइंस इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट्स, अनबॉक्सिंग वीडियोज एंड एयरलाइंस जॉब अपडेट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे एयरलाइंस इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स पर क्लिक करना है व्यू ऑल प्लेलिस्ट पे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ वीडियोज दिखेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पाइसजेट एयरलाइंस, ये इंटरव्यू पर्पस से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैंने स्पाइसजेट एयरलाइंस के बारे में एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में बताया है। सो आप अगर स्पाइसजेट एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख करके जाना। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप सो आप इस अपडेट के बारे में समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप चाहें तो आप मुझे मेल लिख सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcarrier@gmail.com। सो इस अपडेट के रिगार्डिंग इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।